वेलकम टू आवर चैनल सत्यवान आनंद। टुडे वी विल डिस्कस एनालाइज द हिंदू न्यूज़पेपर। सो टुडे 6 जनवरी 2023 आज हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू के। हम पूरे डेली न्यूज एनालिसिस आज से हम करना शुरू कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आज द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आए हैं, उनका हमारे एग्जामिनेशन UPSC और अदर्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है, तो उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं UPSC के सिलेबस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एक इम्पोर्टेंस होता है। इसके अलावा अन्य जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। सो टुडे वी विल एनालाइज द ए वर्डिक्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट अबाउट रेलवे लैंड इन हल्द्वानी। सो अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है हल्द्वानी में, जो ज़मीन का मामला है, जैसे कि एक रेलवे का, जैसा कि हम न्यूज कई दिनों से देख रहे हैं, न्यूज में चल रहा है कि हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन है जिस पर बहुत सारे लोग, करीब करीब 45,000 से 50,000 लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं, और वे लोग आज से नहीं हैं, 50 से 70 साल तक पुराने समय से वो लोग रह रहे हैं और वहाँ पर वो कब्जा कर लिए हैं। हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को एक फैसला दिया था उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कि उन सारे घरों को ढहा दिया जाए और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज का भी प्रयोग करें, ऐसा कहा गया था। फिर लोगों चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा क्या कि वहाँ पर चूँकि लोग 50 से 70 साल या उससे भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं, उनको एकाएक एक ही रात में हम उखाड़ फेंकने की वाली बात नहीं की जा सकती है, वो हमारे देश के नागरिक हैं, तो हमें उन्हें रिहैबिलिटेशन पुनर्वास कराने की चाहिए, उन्हें हमें कहीं और बसाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक तो रिहैबिलिटेशन होना चाहिए और दूसरा डिनाउंस हाई कोर्ट आर्डर अलाइंग यूज ऑफ पैरामिलिट्री फॉर ड्राइव्स। उन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि हाई कोर्ट ने कहा था, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, और रिहैबिलिटेशन की बात करने की उन्होंने कहा है। अगर हम देखें बेंच ने क्या कहा, उनका कहना है कि चूंकि इतने ज़्यादा दिनों से लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर हमें कानूनी एंगल के साथ साथ हमें ह्यूमन एंगल को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है ह्यूमन एंगल का बनता है। और यहाँ पर कुछ प्रोसीडिंग में जो है पब्लिक प्रिमाइसेस एक्ट की भी बात की गई है, और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें हम पैंडेमिक को ध्यान में रखे थे, तो जिस तरह हमने COVID-19 के समय क्या किए थे, हमने बैलेंस अप्रोच को अपनाया था, हम वहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच को अपनाए थे, तो वहाँ पर हमें एक बैलेंस अप्रोच को यहाँ भी अप्लाई करना चाहिए। और जो रेलवे की ज़मीन है उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, जो पर्सन हैं उनके पास राइट टू लिव विद डिग्निटी, जो भारत का संविधान है उसका आर्टिकल 21 क्या कहता है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, उसमें 21 का पार्ट है, यानी इस अनुच्छेद जीवन का अधिकार में ये सम्मिलित है, समाहित है, इनकॉर्पोरेट है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इन फैमिली को एकाएक एक ही रात में उखाड़ फेंकना नहीं चाहिए, हटा नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके पास भी कुछ राइट है। हाँ, हम एक चेक करेंगे किन लोगों का उस ज़मीन पर राइट बनता है, किन का नहीं बनता है, ये हम चीज़ें देखेंगे, परंतु उन्हें वहाँ पर तुरंत नहीं हटाया जाएगा, साथ ही साथ उन्हें नए जगह पर रिहैबिलिटेशन करने की आवश्यकता है, बसाए जाने की आवश्यकता है। अगर हम देखें कि उन्होंने कहा कि जो है इट वॉज नॉट राइट टू ऑर्डर ब्रिंगिंग इन पैरामिलिट्री फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस रेफरेंस में देखें तो रेलवे का जो पद सुप्रीम कोर्ट में रख रही थी वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी रख रही थी। उन्होंने रेलवे की तरफ से क्या कहा, द लैंड अराउंड द काठगोदाम रेलवे स्टेशन कुड नॉट बी डेवलप्ड एंड देयर इज ए नीड टू ओपन द स्टेट टू मोर रेल ट्रैफिक विथ हल्द्वानी इन नियरेस्ट लोकेशन। उन्होंने कहा कि उसका बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया जाएगा, लेकिन वहाँ ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा प्रयोग। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि ये ज़मीन जो है वो रेलवे की है, तो ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा है ये ज़मीन रेलवे की है, और जो पर्सन है उन्होंने उस ज़मीन को रिहैबिलिटेशन की बात नहीं किया है, वो पर्सन ये नहीं कह रहे हैं कि उनको कहीं नए जगह पर बसाया जाए, वो कह रहे हैं कि उस पर उनका राइट बनता है, वो उनकी ज़मीन उनकी निजी है, ऐसा उन्होंने कहा है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो डिसेनियल सेंसस पुट ऑफ टिल सितंबर टू फ्रिज बाउंड्री। हम देखते हैं ये क्या न्यूज आया है जनगणना से रिलेटेड। हम जानते हैं कि भारत में
जनगणना सबसे पहले 1872 में हुई थी। 1872 के बाद 1881 में जनगणना हुई, उसके बाद से हमेशा से जनगणना हो रही है। परंतु कोविड-19 की वजह से भारत में जनगणना 2021 में होनी थी, 2011 में उससे पहले हुआ था, 2011 के बाद जनगणना अभी तक कभी नहीं हुआ है। तो जनगणना होना था परंतु सरकार ने कोविड-19 की वजह से जनगणना नहीं कराया, फिर 22 में भी नहीं कराया, और अब कहना है सरकार का कि वो 2023 के सितंबर में शायद करा सकें। और डेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल June 30। तो जो डेट फ्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाउंड्री होती हैं उनका डेट उन्होंने 30 जून तक। ये कौन सी बाउंड्री होती हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि सेंसस का अपना एक नियम होता है, उस नियम के तहत वो कराए जाते हैं। उसमें जो है फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्री लिमिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसे कैसे हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुका, पुलिस स्टेशन एट्सेट्रा, इन सब की एक बाउंड्री बन फिक्स की जाती है। उसके बाद 3 महीने बाद ही जा करके सेंसस होता है। तो इन्होंने कहा कि जून तक ये काम करना है, इसलिए सितंबर से पहले जनगणना नहीं हो सकती है। अगर हम देखें बाउंड्री फाइनल करने का जो बाउंड्री लिमिटेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को फाइनल करने का काम क्यों किया जाता है? हम जानते हैं कि जो बड़े बड़े नगर निगम है वहाँ पर क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपालिटीज़ हैं, नगर पंचायत, यहाँ पर क्या होता है कुछ गांवों को आप आसपास के गांवों को समाहित कर लेते हैं, इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, इसके बस उनकी बाउंड्री चेंज हो जाती है। कभी कभी राज्यों का कुछ राज्य से एक गांव दूसरे गांव में चला जाता, दूसरे राज्य में चला जाता है, कोई शहर चला जाता है, जैसे कि यूपी बिहार का हुआ है, यूपी से कुछ गाँव बिहार चले गए, महाराष्ट्र में विवाद चल ही रहा है, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी चल रहा है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चल रहा है। तो उन सब के जो विवाद अगर निपट गए हैं तो जो जनगणना होता है तो वो उसके नए बाउंड्री के साथ ही होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ों को देखेंगे, ये काम उन्होंने कहा कि जून तक करेंगे। हम जानते हैं कि जनरल इलेक्शन जो है 2023, लोकसभा का इलेक्शन जो है 2024 के मार्च अप्रैल तक होगा। और चूँकि अगर 2023 के सितंबर से शुरू होगा तो ये काम काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जनगणना 2 चरणों में होती है और इसमें करीब करीब 11 महीने लग जाते हैं। तो 11 महीने का मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसका मतलब क्या है, जनगणना 2023 के लास्ट तक चलेगा, 2024 में पहुंच जाएगा और लोकसभा इलेक्शन तक ये जनगणना शायद ना हो पाए। अगर कुछ नियम कानूनों में उन्होंने बदलाव करेंगे तो शायद जनगणना करा सकें। तो अब उन्होंने एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जनगणना डिले क्यों हो रहा है, जनगणना जबकि डेमोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक है। हर 10 साल, चूँकि एक टाइम काफ़ी लंबा है, 10 साल में सरकारें अच्छे से तैयारी कर सकती हैं और जनगणना करा सकती हैं। कोविड-19 की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से उन्होंने बंद तो कर दिया, परंतु अब उन्होंने ये नहीं बताया कि जनगणना आखिर रोका क्यों गया है। तो जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं उन्होंने 2 जनवरी को एक लेटर रिलीज किया है उनके ऑफिस ने, उन्होंने कोई रीज़न उसमें नहीं बताया है। हाँ, उसमें एक चीज़ है, उन्होंने सेंसस 2021 जनगणना 2021 शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने इंसुइंग सेंसस किया, आगामी जनगणना, उन्होंने आगामी जनगणना के बारे में बात किया है। यानी ये जनगणना का जो नाम होगा वो जनगणना 2021 होगा, या जब 2023 में कराया जाएगा तो जनगणना 2023 होगा, इसके बारे में कुछ डायरेक्ट कुछ उन्होंने नहीं कहा है। एक न्यूज और है, पुतिन आर्डर सीज फायर फॉर द 36 आवर इन यूक्रेन। पुतिन ने जो है 36 घंटे का सीज फायर कहा है, जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, उन्होंने कहा कि 36 घंटे तक युद्ध हम विराम करेंगे। इसका कारण क्या बताया गया, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हॉलीडे मनाया जाएगा 6 और 7 तारीख के बीच में। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई, लड़ाई तो लड़ाई होती है, उसमें सीज फायर होगा, हमले होते रहेंगे। इसके बाद देखें एक और न्यूज आया है, अमित शाह ने सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्टर जो है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या कहा है कि राम मंदिर जो है 1 जनवरी 2024 तक बन करके तैयार हो जाएगा। ये बात उन्होंने त्रिपुरा में किसी मीटिंग वगैरह में कहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि 11 ओमिक्रॉन सब वेरियंट फाउंड इन एयर पैसेंजर, जो विदेश से लोग आ जा रहे हैं उसमें 11 ओमिक्रॉन के सब वेरियंट हमें मिले हैं। तो वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो वेरिएंट है उनमें क्या क्या है, जैसे एग्जाम में पूछ ले तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें। जैसे 11 में क्या क्या है, तो XBB
BA 5.2, BQ 1.1, 1.2, 1.22, 1.1.5 among others, ये कुछ चीज़ें, कुछ वेरिएशन उन्होंने पाया है। आगे एक छोटा सा न्यूज है, थोड़ा सा ये छोटा न्यूज है लेकिन इसका मतलब ज़्यादा बड़ा है। जैन थ्रेटनिंग अस, तिहाड़ जेल ऑफिशियल राइट टू डीजी प्रिजन। तो जो तिहाड़ जेल में प्रिजन है, ऑफिसर हैं, उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होते हैं, डीजीपी, डीजी होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, उनको लेटर लिखा है कि सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली गवर्नमेंट में मंत्री हैं, वो हड़का रहे हैं, धमका रहे हैं, क्यों, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। तो यहाँ पर देश में क्रिमिनल जो है नेता बन जाते हैं और वो क्या करते हैं, फिर अपना मनमानी करते हैं, देश को लूटते हैं। एक आदमी जो क्रिमिनल है, भले एक्यूज्ड है लेकिन जेल में तो बंद है ना, उसको जेल से बाहर का खाना चाहिए, मसाज चाहिए, पता नहीं क्या क्या और सुविधाएं चाहिए, लेकिन वो आदमी क्रिमिनल तो है, वैसे ही तो किसी को नहीं उठा ले गया है, और उस आदमी को मंत्री पद पर भी बनाया गया है। हमारे देश में ये समस्या है, कानूनों को बनाने का काम इन्हीं लोगों का है जो जेल में बंद है। तो ये जेल में बंद आदमी क्यों कानून सुधारेगा, वो तो देश को लूटेगा ही, कभी देश को सुधार नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है एक डेली फील्स ट्रिमर ऑफ अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है भूकंप आया है जिसका असर हमको दिल्ली में थोड़ा सा फील किया गया है। ये हम क्यों देख रहे हैं, हमको इसका ये किसी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा कि दिल्ली में अर्थक्वेक आया था, इससे मोटिवेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड। यानी जो स्टेशनरी स्टैटिक पार्ट है जियोग्राफी में क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। आजकल हम देखते हैं ट्रेंड में जो चीज़ें न्यूज में रहती हैं, यानी जो न्यूज में है उससे न्यूज मोटिवेटेड क्वेश्चन जो है स्टैटिक सेक्शन से उठाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि 1 जनवरी को भी अर्थक्वेक आया था जो 3.8 रिक्टर स्केल था, और ये जो था जो अफगानिस्तान में आया ये 5.9 रिक्टर मैग्नीट्यूड इसका था। इसका मतलब क्या है, जनवरी के एक ही हफ्ते में 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे क्या हो सकता है कि अगर अब ऐसे अगले महीने भी 1-2 आ जाएँ, लगातार भूकंप आते रहें, तो UPSC चाहे जो भी अन्य SSC चाहे अन्य जो भी एग्जामिनेशन होंगे, वो लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि भूकंप चूंकि इस समय ज़्यादा आए हैं तो उससे मोटिवेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे देखते हैं न्यूज है, फार्मर MLA आसिफ खान मिसबिहेव विथ पुलिस अरेस्टेड। तो जो फार्मर MLA कांग्रेस का एक MLA है आसिफ मोहम्मद, उसने क्या किया है, पुलिस को ही जो है मिसबिहेव कर दुर्व्यवहार कर रहा। दुर्व्यवहार का एक शब्द है जो एक किताबों में बोलचाल में एक अच्छा शब्द गढ़ा गया है, मिसबिहेव, दुर्व्यवहार, लेकिन दुर्व्यवहार का असली मतलब क्या होता है वो सबको पता है। तो अब जैसा हमने देखा सत्येंद्र जैन DG को हड़का रहा है, ये पुलिस वालों के साथ मिसबिहेव कर रहा है। अच्छा एक चीज़, MLA पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहा है और पुलिस जनता के साथ मिसबिहेव करती है, और जनता क्या करेगी, जनता पीसेगी, नर्क भोगेगी। यही हमारे देश में, देश अपने ही देश में नहीं, हर देश में यही स्थिति चल रही है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो पेज नंबर, इधर कोई न्यूज नहीं है, हम आते हैं डायरेक्ट पेज नंबर 7 पर। तो पेज नंबर 7 पर एक न्यूज है जो कि पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। तो पॉलिटी की अगर बात करें तो नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर स्टाफ टेकिंग पार्ट इन स्ट्राइक। केरला के कुछ लोग जो है 28 और 29 मार्च 2022 को स्ट्राइक पर चले गए थे, उनके खिलाफ केस हो गया है। केरला हाई कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया है कि जो संविधान में आर्टिकल 19 दिए गए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लाई जो हैं, सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं या सर जो वर्कर हैं, ये वर्कर का जो एसोसिएशन है वो स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनको सरकारी नौकरी करनी है, तो जो सरकार कह रही है उनको वही काम करना है। द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट द प्रोविजन ऑफ केरला सर्विस रूल एज वेल एज द नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हैड कंक्लूडेड दैट पार्टिसिपेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन स्ट्राइक इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 1960 अफेक्टिंग द नॉर्मल लाइफ ऑफ द पब्लिक एंड पब्लिक एक्सचेकर वॉज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हाई कोर्ट का कहना है कि जो सर्विस कंडक्ट रूल हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, चाहे केरला गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं, साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 1960 है,
उन सब नियमों को देखें हम, तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहे गवर्नमेंट की एम्प्लॉय जो हैं, स्ट्राइक करने का अधिकार उनके पास नहीं है। इस स्ट्राइक का किसी भी तरीके का कोई प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, इसलिए उनको पेनालाइज किया जाएगा, जो भी अप्रोप्रिएट सजाएं होंगी वो उनको दी जाएगी। एक छोटा सा न्यूज है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की इंक्वायरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ टीम भेजे हैं, उस पर ममता बनर्जी का कहना है कि ये ठीक नहीं है, और वो जो हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारे में सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो होते हैं वो बड़ा ही विषम परिस्थितियों में चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में भारत में। जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यों की सरकारें अगर सेम पार्टी की नहीं हैं तो वहाँ पर बहुत ही क्लैश चल रहे हैं। कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म होता है वो कोऑपरेटिव के बजाय कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की कंडीशन चल रही है। ममता बनर्जी का क्या कहना है, जो बीजेपी के नेता हैं उन सब के 2 मंजिले 3 मंजिले मकान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसों से बनवा रखा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है, एक्यूज है कि यहाँ पर पैसे की हेर फेर हुई है, इसलिए कुछ टीम बना करके भेजे गए हैं। तो तिरुपति टू हैव लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। तिरुपति जो है वहाँ से एक न्यूज आई है कि उन्होंने देश का सबसे बड़ा जो है लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट तैयार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। भारत में चाहे दुनिया किसी भी देश में पानी की बहुत समस्या है, साफ पीने योग्य पानी ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ही समस्या है, और सारी फैक्ट्रियाँ गंदे पानी नदियों में निकाल देती हैं, उनका जो भी रूल रेगुलेशन है उनका कोई ध्यान नहीं देता है, करप्शन भी है, जिसकी वजह से बहुत सारे नदियाँ के जो पानी स्वच्छ है, झीलों का पानी स्वच्छ है, वो भी गंदा हो जाता है, और जब वो ग्राउंड वाटर में जाता है तो सारे पानी को गंदा कर देता है, और फिर बहुत सारी बीमारियाँ आजकल नई नई बीमारियाँ आ रही हैं इसी वजह से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी गंदा पीने से लगभग आधी से ज़्यादा बीमारियों का कारण गंदा पानी है। इस दिशा इस को साफ करने के लिए तिरुपति जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ तिरुपति ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, और उन्होंने क्या कहा कि देश का सबसे बड़ा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने जा रहे हैं। लेकिन खास बात है उन्होंने जो टेक्निक यूज किया है वो टेक्निक जानने योग्य है। वो टेक्निक क्या है, तो फाइटोरेड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने उसका यूज करेंगे इस वाटर ट्रीटमेंट में। अगर हम देखें उनका कहना है कि जो तिरुपति म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हर साल पर डे जो है 5 मिलियन लीटर ए डे 5 MLD जो है 5 मिलियन जो है 50 लाख लीटर जल जो है वो प्रतिदिन क्या करेंगे, साफ करेंगे। और साथ ही साथ वो जो तिरुपति म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जल होगा जो सीवेज का ड्रेंज का पानी है, और साथ ही साथ एडज्वाइनिंग के कुछ डिवीजन में भी वहाँ से भी पानी ले आएंगे। तो हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो उन्होंने शुरू किया है वो प्रोजेक्ट कैसे शुरू कर रहे हैं। तो हम जानते हैं जो 16वीं लोकसभा था जिसमें 2014 से 2019 उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना लाया था स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत ही 11 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और ऑपरेशनल कास्ट इसका 3 करोड़ रुपये आएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर सिर्फ 11 करोड़ रुपया खर्च करके एक पूरे शहर का पानी साफ़ किया जा सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि गंगा को साफ करने के लिए प्रतिवर्ष ईच ईयर जो है अरबों खरबों रुपये खर्च होते हैं लेकिन वो पानी साफ़ नहीं होता है, और यहाँ मात्र 11 करोड़ में अगर एक पूरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का और उसके 7 डिवीज़न का पानी साफ़ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और ये प्रोजेक्ट जो है फोर्टनाइटली ऑपरेट किया जाएगा। तो इस रेफरेंस हम देखेंगे वो कर क्या रहे हैं, इसका मेन चीज़ क्या है। तो फाइटोराइड जो है फाइटोराइड जो है एक टेक्नोलॉजी है, उसे कौन डेवलप किया है, CSR नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, जिसका नीरी एक नीरी इंस्टीट्यूट है CSR का, इसी ने उसे इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। इस टेक्नोलॉजी में करेंगे क्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो वेस्ट वाटर होता है उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस से सॉलिड मैटर को एलिमिनेट करेंगे। सेडिमेंटेशन मतलब पानी जाएगा उसको जो है पोरस मटेरियल से हम छान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसको सरपेंटाइन मोशन देंगे। सरपेंटाइन मोशन मतलब जैसे जो नदियाँ मियांडर बनाती हैं सर्पों की तरह घुमावदार, उसी तरीके से अंडरवाटर मतलब सब सरफेस ज़मीन के नीचे चैम्बर बनाए जाएंगे, उस चैम्बर में बहुत सारे बैरिकेड बनाए जाएंगे और वहाँ पर जो है पानियों को फ्लो कराया जाएगा, और वहाँ से वो क्या करेंगे, वहाँ से कुछ बहुत सारे सेडिमेंट को या अन्य सॉलिड मैटर को रिमूव करेंगे जो बैरिकेड बने होंगे। साथ ही साथ वहाँ पर हम देखते हैं जो ये जब फ्लो कराया जाएगा
उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो फिगर में दिखाया ऐसे करेंगे, वहाँ पर कंकड़ पत्थर बहुत सारी चीज़ें लगा देंगे, वहाँ पर ये पौधे लगा देंगे, और वहाँ पर क्या होगा, जब पानी बहेगा तो वहाँ से सॉलिड मटेरियल को ये फिल्टर करेगा। तो ये जो फिगर में दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ग्रेवल स्टोन सैंड एट्सेट्रा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस जो फिगर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्चुअल में ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। इसके बाद का जो स्टेज आता है वो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का प्रयोग करेंगे। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर क्या करेगा, वो वहाँ पर जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को 5 मिलीग्राम तक लाएगा। हम देख जानते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। एक्चुअल में अगर हम पानी को साफ़ करने की बात करें तो एक यूनिट जल को, अगर हम उसको जो जल प्रदूषित है उसको शुद्ध करने के लिए जो बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं, अगर उसे हम शुद्ध करें तो कितने वो बैक्टीरिया उस जो भी वेस्ट है उसको डिकम्पोज करें तो कितना उन्हें ऑक्सीजन की डिमांड पड़ेगी, तो वो एक यूनिट वाटर को 5 मिलीग्राम ऑक्सीजन की डिमांड है। जबकि हाउसिंग जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उसने 10 मिलीग्राम रखा है स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड रखा है। जबकि यहाँ तिरुपति जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ तिरुपति है वो 5 mg तक लाएगा, यानी पानी इतना शुद्ध होगा कि अगर पानी को ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता पड़ी तो केवल 5 मिलीग्राम ऑक्सीजन में पानी पूरी तरीके से पीने योग्य हो जाएगा, इतना शुद्ध पानी हो जाएगा। इसका मेन एडवांटेज क्या है कि कास्ट इफेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष मशीन नहीं यूज हो रही है बल्कि यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बाद हम देखते हैं एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूज आया है एलिफेंट के बारे में। UPSC ने एलिफेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट सेक्शन के हिसाब से, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट सेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। जो एशियन एलिफेंट की बात करेंगे, एशियन एलिफेंट है लास्ट मोस्ट ऑफ इट्स ऑप्टिमल हैबिटेट इन नीलगिरी रिजर्व, ये न्यूज है। अगर हम देखें यहाँ पर न्यूज में जो एक वर्ड है इंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट, UPSC या अन्य कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी कभी आता है एलिमिनेट के लिए कि किसी भी स्पेसीज का नाम दिया जाता है उसके कैटेगरी पूछ दी जाती है, उसका थ्रिटेन इंडेंजर्ड कैटेगरी क्या है, आईएसएएन एक लिस्ट होती है तो आईएसएएन लिस्ट में उसका स्थान क्या है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में है एशियन एलिफेंट। तो एक हम यहाँ पर ये चीज़ अपने ध्यान में रखेंगे, इंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट हैज़ लास्ट मोस्ट ऑफ इट्स ऑप्टिमल हैबिटेट फ्लैट टेरेन दैट इज इजली नेगोशिएबल। तो ये चीज़ इस न्यूज में आई है कि जो हाथी रहते हैं, चाहे कोई मनुष्य, मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो हाथी भी जो स्लोप होते हैं वहाँ पर रहने के बजाय वो मैदानी इलाकों जो फ्लैट सरफेस होते हैं वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और हाथी जो है वो स्लोप रीजन में उनको ज़्यादा रहना पड़ रहा है। अगर हम देखें जो आजकल जो बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए जाते हैं तो यहाँ फेंसिंग कर दिया, फेंसिंग का मतलब ये हो गया एक बायोस्फीयर रिजर्व से या एक बड़े जंगल से नेशनल पार्क से जीव दूसरे जगहों पर नहीं जा सकते हैं, इससे क्या है फेंसिंग हो गया। फेंसिंग होने से कहता है जीन फ्लो नहीं हो पाएगा, जैसे जब कोई भी जानवर है, एनिमल है, एलिफेंट है, जब एक पर्टिकुलर रीजन में रहेंगे तो वहाँ पर जो उनका रिप्रोडक्शन का सिस्टम है वो वहाँ के लोगों के जो अन्य जीव जंतु जो उनकी स्पेसीज है, जैसे एक हाथी है दूसरे हाथी से जो रिप्रोडक्शन करेगा उसकी अगली पीढ़ी भी उसी भी जनरेशन में करेगी, जैसे कि गोत्र का कॉन्सेप्ट होता है उसी तरीके कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या है, एक ही जीन को बार बार जब बच्चे पैदा होंगे हाथियों के तो वहाँ पर क्या होगा, उनका जीन फ्लो नहीं होगा। जीन फ्लो का कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक रीजन से दूसरे रीजन में कोई जीव नहीं जाएगा तो सेम जीन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी, तो वहाँ से क्या होता है बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, वो जीन फ्लो जो है यहाँ पर नहीं हो पा रहा, यही इनका मेन चीज़ है इस आर्टिकल में कहने का। और क्योंकि जीन फ्लो नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां होने के खतरे रहते हैं। अगर हम देखें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट जो एक स्कार्पमेंट है जो कि नॉर्थ जो कि गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है, और इसमें देखें वेस्टर्न कोस्ट लाइन में जो है इसमें साउथ भाग में ज़्यादा इंटरप्शन हुए हैं। कहाँ पर, लो लाइंग एरिया जो पाल घाट का है वो सेपरेट करता है पाल घाट नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट के नॉर्दर्न पार्ट को और साउदर्न पार्ट को, वहाँ पर जो है पॉपुलेशन एलिफेंट की जो है
वहीं पर ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जो गैप है वहाँ पर लोग खेती करना शुरू कर दिए हैं, और एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं वहाँ पर वो जो गैप है, जो दोनों घाटों के बीच, जो दोनों रीजन के बीच में जहाँ पर हाथियाँ आ जा सकती थी, वो कहीं पर 3 किलोमीटर है और कहीं पर 40 किलोमीटर, 3 से 40 किलोमीटर का वेरिएशन है। अब इतना ज़्यादा वेरिएशन होने की वजह से हाथी जो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहे हैं। तो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट जो है उसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है और उसके आसपास के प्रोटेक्टेड रीजन आते हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें करीब करीब 6,000 हाथियाँ हैं। वो 6,000 हाथी आपस में ही एक ही जगह रहेंगे, उनका रिप्रोडक्शन जो होगा उन्हीं के बीच में होगा, तो एक समय बाद जीन में ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं आ पाएगी और डाइवर्सिटी न होने की वजह से समस्याएँ आ जाएंगी। अगर हम देखें पाल घाट जो है, द पाल घाट इज़ द ब्रेक इन द घाट दैट इज रिलेटिवली फ्लैट एंड कंसिक्वेंटली इजिली नेगोशिएबल बाई एलिफेंट। तो पाल घाट में जो खेती कर रही हैं, अगर वहाँ पर वो फ्लैट रीजन है, वहाँ पर अगर एक गैलरी बना दिया जाए, एक पास बना दिया जाए, कॉरिडोर बना दिया जाए, एलिफेंट कॉरिडोर, जब जीव हाथियाँ एक दूसरे जगह से आ जा सकेंगी, तो फ्लैट रीजन है, बड़े आसानी से जा सकते हैं, तो उनका जीन जो है सिक्योर रहेगा, ऐसा हम कर सकते हैं। अगर हम देखें ह्यूमन सेटलमेंट एंड क्रॉप कल्टिवेशन हैव हिंडर्ड द मूवमेंट ऑफ द एलिफेंट, तो जो हम खेती कर रहे हैं किसान और रिहेबिलिटेशन कर अपने गांव बसा ले रहे हैं, शहर बसा ले रहे हैं, इससे हाथी आ जा नहीं पा रहे हैं। इसके अगर हम देखें इस आर्टिकल में जो डिस्कशन किया गया है कि सब ऑप्टिमल हैबिटेट देयर चेंजेज इफ सर्वाइवल आर लोअर ड्यू टू डेंजरस टेरेन आर एनिमल ऑफ द साइज, जो एनिमल है ये काफ़ी बड़ा जीव रहता है, इसका जो स्लोपी रीजन में रहेगा, जो स्लोप है, पहाड़ है, माउंटेनस रीजन है, तो उसके जान को भी खतरा रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा जीव है जिसको फ्लैट रीजन में ही रहना चाहिए। तो स्टडी ये बताते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं ज़्यादातर जगहों पर जो फ्लैट रीजन है वो ऑक्यूपाई कर लिए गए हैं पर्सन से, और जो ब्लॉक कर दिए गए हैं इस तरीके से, वहाँ पर केवल फ्लैट रीजन में मनुष्य रह रहा है और स्लोपी रीजन में, माउंटेनियस रीजन में हाथी रख रहे हैं, जो कि उनके लिए जिन फ्लो को रिड्यूस कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इससे जो है उनके एक्सटिंक्शन का रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी स्पेसीज इसी वजह से इंस्टिंक्ट हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीन, एक ही जीन सभी में ट्रांसफ़र होने, बीमारियाँ होती हैं और वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इनब्रीडिंग, यहाँ पर क्या कहा, इनब्रीडिंग का मतलब आपस में ही जो जीव हैं आपस में ब्रीडिंग कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ये एक समस्या का जड़ है। माउंटेनियस हैबिटेट, तो उनके पास अब बचा क्या है, केवल माउंटेनियस बचे हैं, और वो भी कहाँ पर, साउथ ईस्ट। अच्छा, हम जानते हैं इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि पहले जो है हज़ारों साल पहले एलिफेंट जब पूरा भारत, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब आपस में कनेक्ट थे, पॉपुलेशन कम थी, सब जंगल थे, भारत से हाथी साउथ ईस्ट एशिया तक चले जाते थे, वो चाइना तक चले जाते थे। लेकिन अब जो है एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर इतना बढ़ गया है कि उनको एक माउंटेन चेन हो गया है, एक पर्टिकुलर रीजन हो गया है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं, उन्हीं में उनको रहना है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और अगर हम देखें भारत में ही, तो हाथी जो है माउंटेनस रीजन में उनका हैबिटेट ज़्यादा है, लगभग हर जगह ऐसी स्थिति बन गई है। तो हमें इसके लिए करना क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एलिफेंट कॉरिडोर बनाना चाहिए जहाँ पर वो उनका आना जाना काफ़ी सुगम हो, जिससे कि जीन जो है फ्लो हो सके, उनके डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में डाइवर्सिटी बनी रहे। इनक्लोजिंग रिजर्व विदाउट लुकिंग एट हाउ द टेरेन इज डिस्टर्ब लीड्स टू द फ्रैगमेंटेशन। इफ एलिफेंट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन वैली टू नेक्स्ट वन रिलेटिवली फ्लैट ट्रेन, देन पॉपुलेशन कनेक्टिविटी गेट सीवियर्ड। तो अगर जो फ्लैट रीजन है एक कॉरिडोर नहीं बनाए जाएंगे या उनको पास नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पर उनका मूवमेंट नहीं होगा, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा। फॉलोइंग प्रोटेस्ट सेंटर स्टॉप पारसनाथ प्रोजेक्ट, हम देख रहे हैं कई दिनों से एक न्यूज़ चल रही है कि जो जैन धर्म के लोगों का धार्मिक तीर्थस्थल है उसमें पारसनाथ प्रोजेक्ट लाया गया है झारखंड में। वहाँ पर क्या हो रहा है, टूरिज्म को विकसित करने के उद्देश्य से जो काम किए जा रहे हैं उसमें जो एक्टिविटी हो रही है वो जैन धर्म के धार्मिक भावना के खिलाफ है। जैन धर्म क्या है, शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होना बहुत अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है, जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए। तो उन्होंने उसका विरोध किया है कि जो जैन कम्युनिटी हैं उनकी एक तो आबादी बहुत कम है देश में,
करीब करीब 45-46 लाख के पूरे देश में आज़ादी है, आबादी है। अब उनके जो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है, इस काफ़ी ज़्यादा विरोध हुए हैं। जब विरोध हुए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया है, अब कहा है कि हम टूरिज़्म को जो जैन धर्म तीर्थस्थल हैं उनके क्षेत्र में हम प्रमोट नहीं करेंगे, उन्हें बंद करेंगे। तो झारखंड में जो है ऐसा कहा गया है कि जो झारखंड में है कौन सा पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर जो है अब किसी को टूरिज़्म का अनुमति नहीं मिलेगी, वहाँ पर सिर्फ धार्मिक कार्य कह सकते हैं, जो जैन धर्म के लोग हैं वही लोग जाएंगे। पारसनाथ हिल कहाँ पर है, तो झारखंड में है। ये प्लेसेज इन न्यूज यानी मैपिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके साथ हम देखें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ क्लास 3 ऑफ द इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन पर्टेनिंग टू सम्मेद शिखरजी पर्वत क्षेत्र पारसनाथ हिल इज स्टेट फॉर विथ इंक्लूडिंग एमंग अदर ऑल टूरिज्म एंड इको टूरिज्म एक्टिविटी। तो जो को भी इकोनॉमिक सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन बनाया गया था या जो भी अब टूरिज्म की एक्टिविटी है उससे उन्होंने बंद कर दिया है। और ये जो इको सेंसिटिव जोन जो डिक्लेयर किया गया था ये 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। इको सेंसिटिव जोन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज बफर जोन सराउंडिंग ए प्रोटेक्टेड एरिया। तो जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं एक्चुअली में प्रोटेक्टेड एक बफर जोन होते हैं प्रोटेक्टेड एरिया के लिए। वाइल प्रोटेक्टेड जोन परमिट ऑलमोस्ट नो एक्टिविटी। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। जैसे हम जब किसी एरिया की बात करें उसमें तीन रीजन बना दिए, तो कोर एरिया प्रोटेक्टेड और वो जो है एक बफर जोन होता है। बफर जोन में कुछ अनुमति होती है एक्टिविटी की, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, लेकिन प्रोटेक्टेड में कोई अनुमति नहीं होती है। तो ये जो है न्यूज था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टेड झारखंड गवर्नमेंट टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स एग्जिस्टिंग प्रोविजन प्रोटेक्टिंग द होल पारसनाथ हिल कैटेगरिकली प्रोहिबिटिंग लिक्विड ड्रग नॉन वेज फूड लाउड म्यूजिक अनऑथोराइज्ड कैंपेन एंड ट्रैकिंग डिफाइलिंग द रिलीजियस साइट डिस्टर्बिंग नेचुरल ट्रैंक्विलिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि वहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जो जैन धर्म की भावना के खिलाफ हो। जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई भी शराब बिक्री नहीं हो सकती है, ड्रग्स नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं हो सकते, मांसाहार नहीं, बहुत शोर शराबा म्यूजिक नहीं हो सकता, ट्रैकिंग नहीं हो सकते। इन सब चीज़ों को उन्होंने बैन करने के लिए झारखंड गवर्नमेंट से कहा है। आगे देखें जो ये अन्य न्यूज हैं, तो जैसे कि डीजीसी एयर इंडिया का न्यूज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट है। यूजीसी जो है एक स्टेट एक हमारे लिए देश की सबसे बड़ी जो हायर एजुकेशन के उसके संस्थाएं हैं, तो यहाँ पर एक बात चल रही है, ड्राफ्ट आया है, ड्राफ्ट नार्म। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी उसने ड्राफ्ट बना रहे हैं और उनमें कहा गया है कि वो विदेशी जो यूनिवर्सिटी हैं उन्हें अब परमिशन देंगे भारत में अपने सेंटर खोलने के लिए। और उसमें कहा गया कि वो अपनी फीस डिसाइड करेंगे, उसके करिकुलम वगैरह वो डिसाइड करेंगे, 90 दिन में उनको अप्रूवल भी मिल जाएगा। अब बात यह आती है किस तरह की यूनिवर्सिटी को परमिशन मिलेगी, तो जिनका जो रैंकिंग टॉप ग्लोबल रैंकिंग देखी जाएगी जो टॉप 500 में है, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी ज़्यादा रिपूटेड इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड लेवल पर, उन्हें कैंपस खोलने की अनुमति यूजीसी भारत में देगा। अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जाता है, तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये कहा गया था कि हम विदेशी यूनिवर्सिटी को जो वर्ल्ड लेवल पर हैं उन्हें हम भारत में कैंपस ऑपरेट करने की खोलने की परमिशन दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए किया गया है ये काम। और वहाँ पर क्या होगा, यूनिवर्सिटी जो खुलेंगी या उनके कैंपस जो खुलेंगे उनके पास क्या क्या होंगे अधिकार, सच यूनिवर्सिटी टाइप विल गिवन स्पेशल डिस्पेंशन रिगार्डिंग रेगुलेटरी गवर्नेंस एंड कंटेंट नॉर्म ऑन पार विथ अदर ऑटोनॉमस इन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उनके पास अपना गवर्नेंस रेगुलेटरी बॉडी वगैरह का उनके पास अधिकार होगा, ऐसा जो है जो यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार हैं उन्होंने कहा है। अगर हम देखें यूनिवर्सिटी के पास और क्या अधिकार होंगे, क्यों फीस जो फीस होगा
उसको डिसाइड खुद करेंगे, उसकी अपर लिमिट कोई कैप नहीं होगी, कितना फीस लेना है इस पर कोई लिमिट सरकार नहीं लगाएगी, उन्हें अपना फीस डिसाइड करने का खुद अधिकार होगा। सच कैंपस कैन इवॉल्व इट्स ओन एडमिशन प्रोसेस खुद करेंगे, एडमिशन की क्राइटेरिया खुद डिसाइड करेंगे, उन्हें ऑटोनॉमी रहेगी कोई फीस स्ट्रक्चर क्या लेंगे, और साथ ही साथ वो फीस जो है रिजनेबल होना चाहिए और उनकी पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसके साथ साथ देखिए, इस इट विल आल्सो हैव ऑटोनॉमी टू रिक्रूट फैकल्टी एंड स्टाफ फ्रॉम इंडिया, तो भारत से उन फैकल्टी और स्टाफ को रिक्रूट करने की, नियुक्ति अपॉइंटमेंट करने की प्रक्रिया की उनके पास स्वतंत्रता होगी। और इसमें एक बात और कहा गया, कोर्स टू बी ऑफर्ड कैन नॉट बी इन ऑनलाइन एंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। तो जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है, ओपन यूनिवर्सिटी होता है, जैसे भारत में इंदिरा गांधी इग्नू एक बहुत बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन तो इस तरह का कोर्स उनको या ऑनलाइन कोर्स चलाने की परमिशन नहीं होगी, केवल ऑफलाइन कैंपस में उनको एजुकेशन देने की केवल परमिशन होगी। क्वालिफिकेशन यानी जो वहाँ पर डिग्रियाँ मिलेंगे, जो बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पर, पढ़ने के बाद जो निकलेंगे तो उनका जो क्वालिफिकेशन अवार्ड किया जाएगा स्टूडेंट को, उनको जो डिग्री दी जाएगी वो कैसा होगा, तो जो अपने देश में, ये ध्यान रखने वाली थी, जो कम यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपना कैंपस खोलेंगी उनके जो ओरिजिन इन देयर ओरिजिन ऑफ कंट्री, इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन जो होगा उसके इक्विवेलेंस उनको डिग्री अवार्ड करनी पड़ेगी, जो भी वो इंस्टीट्यूट है उस देश में। जैसे कोई अमेरिका की यूनिवर्सिटी आ रही है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आ रहा है लंदन से, या ऑक्सफोर्ड आ रहा है लंदन से, तो ये लोग उसके इक्विवेलेंट डिग्री उनको देना होगा। फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल आल्सो बी अलाउड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ फंड एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, जो एक फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, तो उसके अकॉर्डिंग इनको ऑडिट कराना होगा। लेकिन ये परमिशन दीजिए कि बाहर से पैसे यानी फंड बाहर से आ सकते हैं, यानी विदेशों से वो चंदा ले सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं, रिमिटांस आ सकता है या जा सकता है, लेकिन उसके लिए फेमा एक्ट के तहत ही सारा काम किया जाना चाहिए। फेमा क्या है, इकोनॉमी का एक पार्ट है और RBI इसको रेगुलेट करती है। UGC शुड श्योर इक्वल अमाउंट ऑफ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू इंडियन यूनिवर्सिटी एज मच एज फॉरेन यूनिवर्सिटी माइट बी इंटाइटल्ड टू, सच ए लेवल प्लेइंग फील्ड विल बी इंश्योर प्रोग्रेसिव कंपटीशन एंड इंक्रीज ओवरऑल क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन द इंडियन हायर एजुकेशन। तो भारत में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उनको भारत की ही यूनिवर्सिटियों के साथ रिजेंबलेंस बनाना होगा, उनको इक्वल अमाउंट में एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन सभी पर ध्यान देना होगा। तो ये कहना है UGC का। इसके बाद थोड़ा सा एक खबर है, मैक्सिको अरेस्ट ओबिडियो गुजमैन सन ऑफ ड्रग किंगपिन इन अल चेपो। तो अल चेपो ये मैक्सिको की घटना है जहाँ पर एक ड्रग माफिया है उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। और बेलारूस का एक घटना है कि जो नोबेल प्राइज़ प्रेजेंट विजेता हैं एली विलायलियास्टिक्स की, उनको जो है ट्रायल के लिए भेजा गया है जेल में, वो जेल में ही नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला है। इसके बाद क्या है, एक घटना है कि 800 रशियन जो हैं एक दिन में यूक्रेन की आर्मी ने मार गिराया है, तो युद्ध का नतीजा यही होगा, सैनिक मरते ही रहते हैं। तालिबान टू साइन ऑयल एक्सट्रैक्शन डील विद चाइना, तालिबान ने पहली बार किसी विदेशी कंपनी के देश के साथ या फर्म के साथ मिल करके ऑयल एक्सट्रैक्शन, जो अफगानिस्तान में तेल के कुएँ हैं जो ऑयल एक्सट्रैक्शन करना है, जहाँ पर तेल मिलने की संभावना है, वहाँ पर चाइनीज कंपनियाँ काम करेंगी, तालिबान चाइना से सहयोग से निकालेगा। वो जगह कौन सा है, अमू दरिया बेसिन जो है वहाँ से निकाला जाए। ये न्यूज़ में हो सकता है कभी कभी कि अमू दरिया बेसिन कहाँ है, तो ये अफगानिस्तान में है। विलियम नॉक्ड मी टू फ्लोर प्रिंस हैरी, तो विलियम और प्रिंस हैरी जो है इन सब का बकवास चलता रहता है, और उसने प्रिंस हैरी ने कहा कि विलियम ने उसको पटक के मारा था, उसको कॉलर पकड़ दिया था, ज़मीन पर गिरा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि जो सामान्य लोगों के बीच झगड़े होते हैं, ये जो अपने आप को राजा कहते हैं, जो भारत को लूटे भी हैं, ये लोगों को भी मारपीट घर में चलता रहता है सामान्य लोगों की तरह। कोल आउटपुट ग्रीव 10.8% इन दिसंबर,
तो मिनिस्ट्री कोल मिनिस्ट्री कह रही है कि भारत में जो है कोल का प्रोडक्शन 10.8% दिसंबर महीने में बढ़ गया है। और इसी के साथ एक न्यूज है कि अमेजन जो है 18,000 लोगों को जॉब से निकाल लेगा, मतलब अमेजन जो कंपनी है 18,000 लोगों को जॉब से निकाल रही है, यानी सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही है, प्राइवेट नौकरी भी जा रही है। रशिया शिपिंग मोर आर्कटिक क्रूड ऑयल टू इंडिया, भारत जो है रशिया से तेल खरीद रहा है, जो पहले 0.2% हम इम्पोर्ट करते थे, अब करीब करीब 22% से भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो रशिया जो है आर्कटिक क्रूड ऑयल भारत को और भी ज़्यादा बेचेगा। इसके अलावा एक न्यूज आया है, ये है प्रनेश विंस रिल्टोन कप बिकम इंडिया 79th ग्रैंड मास्टर। तो ये प्रनेश जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो ये 79वां ग्रैंड मास्टर बने, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इससे पहले अभी थोड़े दिन पहले 78 ग्रैंड मास्टर को बना, तो कौस्तो चटर्जी ये भी भारत के हैं। तो ये था जो है द हिंदू न्यूज का एनालिसिस। इसमें हमने एक चीज़ को छोड़ दिया है, वो क्या है, एडिटोरियल। चूँकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने एडिटोरियल को यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं, एडिटोरियल को हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टेबलाइजिंग टाई विथ नेपाल इन अनसर्टेन टाइम्स, फ्रीडम इन अथॉरिटी, और एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भारत सरकार के पॉलिसी से रिलेटेड है, इंडियाज प्लान टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन, ये आर्टिकल हैं, इन्हें हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।